हेलो दोस्तों। तो आज के मेनू में हमारा था आलू से बना हुआ बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार नाश्ता, जो बहुत ही मिनटों में बनता है बट बहुत चटपटा होता है। तो आइए देखिए मैंने इसे कैसे बनाया है। तो सिंपली इसे बनाने के लिए मैंने देखिए 4 कच्चे आलू लिए थे, जिसको मैंने अच्छी तरह से पील ऑफ करके पानी में छोड़ दिया था। और बस इसको क्या करना है कि हम लोगों को कद्दूकस से इस तरह से कद्दूकस कर लेना है। आलू को छीलने के बाद में आप थोड़ी देर उसको पानी में छोड़ दीजिए, ऐसे नहीं छोड़िएगा, नहीं तो इसका कलर ना मतलब काला पड़ जाता है। तो आप इस तरह से सारे जो आलू थे उसको अच्छी तरह से कद्दूकस कर लीजिए। हमारा कद्दूकस का जो रेशियो होगा वो इतना ही मोटा होना चाहिए, नहीं तो फिर ज़्यादा पतला रहेगा ना तो जो वो क्रिस्पी जो होता है वो नहीं बन पाएगा, और ज़्यादा मोटा रहेगा ना तो हम लोगों को पकाने में बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरह से आप देखिए सारा जो आलू था उसको कद्दूकस करके देखिए हम लोगों ने क्या किया है कि इसका जो पानी, जो एक्स्ट्रा पानी जो भी थोड़ा बहुत बचा होगा उसको हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे एक करके। और ये जो होता है ना, जो पेपर होता है उसमें हम लोग कद्दूकस करके आलू को और पेपर पे रख देंगे। आप चाहो तो तौलिया, गमछा या कोई भी साफ़ कपड़े पे आप इसको रख सकते हो। ये एक एक करके मैंने आलू से जितना भी पानी था वो निकाल दिया है। ये पानी निकालने से क्या होगा ना कि हमारा जो जो ये नाश्ता बनेगा वो मतलब कि मुलायम नहीं बनेगा, कुरकुरा बनेगा। तो पानी निकालने का ये जो स्टेप है ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह से देखिए जो ऑयल पेपर आता है उस पर आप सारा आलू को इस तरह से बिछा लीजिए, ताकि क्या होगा कि जो भी थोड़ा बहुत पानी होगा वो यहाँ पर ड्राई हो जाएगा। और 10 मिनट रखने के बाद हमारा आलू यहाँ पर पूरी तरह से ड्राई हो चुका था, जिसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी और काली मिर्च पाउडर ऐड किया है। अभी यहाँ पे हम लोगों को नमक नहीं ऐड करना है, क्योंकि अगर अभी हम लोग यहाँ पे नमक ऐड करेंगे ना तो फिर से आलू पानी छोड़ देगा। तो बस इसको सिंपली ऐसे करके मिक्स कर देना है, एक एक करके अच्छी तरह से मिला लीजिए, ताकि काली मिर्च की जो पाउडर है वो सब में अच्छे से मिक्स हो जाए। और बस यहाँ पर हम लोगों को पैन में तेल को गर्म करना है, बहुत गर्म करना है, मतलब हाई हीट में आपका तेल गर्म होना चाहिए। और उसमें इस तरह से आप डालिए, और यहाँ पर फिर थोड़े देर में आप मीडियम जो फ्लेम होती है उसको आप मीडियम कर दीजिए। और जब आपका इस तरह से क्रिस्पी बन जाए, इतना लाल हो जाए, तो आप इसको फिर से वही ऑयल पेपर में ट्रांसफ़र कर लीजिए। जैसे कि देखिए मैंने सारे ऑयल पेपर में ट्रांसफ़र कर लिया है। और यहाँ पे फिर जो कच्चे बादाम होते हैं ना उसको फिर आप यहाँ पे ऐड करो। देखिए ये बादाम वाला प्रोसेस वो आपका ऑप्शनल है, वो आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। बट हमने इसे भूना है। देखिए इतना सा भूनने के बाद फिर एक बाउल में इस तरह से आप इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए, बादाम जो था हमारा उसको आप ऐड कर लीजिए। और फिर यहाँ पे आप नमक अपना स्वाद के अनुसार, चाट मसाला, धनिया पत्ता और नींबू इस तरह से निचोड़ करके आप इसको गर्मा गर्म चाय के साथ में इंजॉय कीजिए। कहीं अगर आप आ रहे हैं जा रहे हैं तो आप इस नाश्ता को या टाइट डब्बे में बंद करके ले जा सकते हैं, बहुत टेस्टी, बहुत कुरकुरा होता है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ में बने रहें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, लाइक कमेंट करें ज़रूर करें, और बताएँ कि अगली वीडियो आपको किस रेसिपी पर चाहिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।